YouTube चैनल। ये वीडियो टाइटल में आप देख रहे होंगे हिंदी में है, और अगर आप मेरे चैनल के लॉन्ग टाइम सब्सक्राइबर हैं आपको ये काफ़ी शॉकिंग लग रहा होगा क्योंकि आपने कभी मेरे को हिंदी में बात करते हुए देखा नहीं होगा। ये मेरे चैनल पे पहला हिंदी वीडियो है और मैं अभी तक हिंदी में बात नहीं की हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली राजस्थान में बड़ी हुई हूँ तो मेरे को हिंदी काफ़ी अच्छी तरह आती है, लेकिन फिर मैं बैंगलोर शिफ्ट हुई थी और उसके बाद मेरे आसपास कोई बात नहीं करता था तो थोड़ा छूट सा गया था हिंदी। लेकिन मुझे लगा क्यों नहीं मैं थोड़ी हिंदी में बना लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोग हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है, और मैं आगे से काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड करूँगी हिंदी में, इंग्लिश में भी करूँगी लेकिन हिंदी वीडियोस भी होंगे मेरे चैनल में। सो अगर आप न्यू हैं यहाँ पे वेलकम। इस वीडियो में मैं आपको वेजिटेरियन प्रोटीन ऑप्शंस के बारे में बताना चाहूँगी। ये काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरे को काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैं वेजिटेरियन हूँ और मेरे को सप्लीमेंट मेरे पेरेंट्स सप्लीमेंट मुझे नहीं लेना चाहते हैं तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे प्रोटीन लूँ। तो एक्चुअली आपको नहीं पता होगा कि वेजिटेरियन मील्स में काफ़ी सारे प्रोटीन ऑप्शंस हैं, लेकिन वेजिटेरियन फूड के बारे में ये है कि प्रोटीन ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड है, तो जो भी है वो आपको डेली इंक्लूड करना पड़ेगा, तो आपको काफ़ी रेपिटेटिव लगने लगेगा, आपको लगेगा कि अरे आपको हर रोज़ एक ही चीज़ खाना है। लेकिन आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट स्पाइसेस से प्रिपेयर कर सकते हैं। इंडियन डाइट की यही बात है कि आपके पास इतने सारे स्पाइसेस के ऑप्शंस हैं कि आप अपनी मर्जी से जैसा भी है वैसा बना सकते। तो मैं आपको सारे ऑप्शंस आज बताने जा रही हूँ इस वीडियो में क्या क्या आप इंक्लूड कर सकते हैं ताकि आपका प्रोटीन एटलीस्ट मिनिमली हाई हो सकता है और आपको अपने फैट लॉस में रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, कितना प्रोटीन आपके लिए एक्चुअली ज़रूरी है। अगर आप ट्रेन नहीं कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको 1 ग्राम पर kg रखना चाहिए। रिक्वायरमेंट इससे थोड़ा कम है, लेकिन एटलीस्ट आप इतना रखें ताकि आप जो भी एक्सरसाइज रूटीन कर रहे हैं आपकी मसल टिश्यूज सही से रिपेयर हो सके। इसके अलावा अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं और आपका गोल एक्चुअली मसल गेन है तो इसे थोड़ा ज़्यादा रखिए, एटलीस्ट 1 ग्राम पर pound रखिए आपका प्रोटीन इंटेक, या फिर एटलीस्ट 0.7 to 0.8 per pound रखिए आपके बॉडी वेट का। तो वेजिटेरियन ऑप्शंस आपके लिए मे बी सफिशिएंट नहीं होगा और आपको सप्लीमेंट के लिए जाना पड़ेगा। सप्लीमेंट्स आर नॉट बैड, सप्लीमेंट्स एक्चुअली बहुत हेल्पफुल रहते हैं स्पेशली वेजिटेरियन डाइट में, और इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं रहता है जो भी मिथ्स हैं, जो भी लोग बिलीव करते हैं। यूजली सप्लीमेंट्स एक्चुअली काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, तो उस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सारे ऑप्शंस बताने जा रही हूँ जो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो पहला होता है टोफू और पनीर। टोफू एक्चुअली थोड़ा लोअर फैट ऑप्शन है, पनीर में फैट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन आप दोनों इंक्लूड कर सकते हैं और ये आप रोज़ इंक्लूड कीजिए ताकि आपके डाइट में एटलीस्ट उतना प्रोटीन इनटेक हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं 100 ग्राम्स ऑफ टोफू इज 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, तो अगर आप दो बार इंक्लूड कर रहे हैं तो एटलीस्ट 24 ग्राम यहीं से आ जाते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 1 scoop ऑफ वे। तो आप ये इंक्लूड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन इज चीज़। बहुत लोग कहते हैं कि चीज़ आपके लिए बुरा है, चीज़ इज़ बैड, लेकिन चीज़ एक्चुअली बहुत अच्छा है आपके लिए क्योंकि इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, और एक चीज़ लाइफ में आपको एटलीस्ट 4 grams ऑफ प्रोटीन मिलता है, तो आप डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हैं। फैट्स थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर नट्स वगैरह इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, आपका अगर डेली फैट इनटेक पूरा नहीं हो रहा है, तो आप डेफिनेटली चीज़ स्लाइस में इंक्लूड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा आपके लिए। नेक्स्ट आपका आता है सोया, सोय नगेट्स। सो सोया भी आपके लिए बहुत अच्छा है और उसके काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। काफ़ी लोग मानते हैं कि सोया एक्चुअली आपके टेस्टोस्टेरोन को घटाता है और आपके एस्ट्रोजन को बढ़ाता है, वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़ चाहिए होता है उसको होने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता, जिस क्वांटिटी पे आप खाएंगे उससे आपको सिर्फ प्रोटीन मिलेगा और कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होगा आपकी बॉडी में। मैन वमेन दोनों के लिए सोया नगेट्स आर गुड, आप इंक्लूड कर सकते हैं डेफिनेटली, और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है, लाइक बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो वो एटलीस्ट आप एक मील के लिए इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज कर्ड और योगर्ट। ये आपको पता होगा, कर्ड मिल्क भी इंक्लूड कर लीजिए। तो कर्ड और मिल्क आर टू थिंग्स जो आपको रोज इंक्लूड करना चाहिए आपके डाइट में। तो वेदर इट इज़ लंच डिनर, एटलीस्ट 2 times आप कर्ड इंक्लूड कर सकते हैं। मिल्क तो आप सुबह पी सकते हैं, या अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हो उसके साथ भी मिल्क पी सकते हैं।
तो मिल्क में अगर आप सोया मिल्क के लिए जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं और अगर आप सोया मिल्क ले सकते हैं उसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है। नेक्स्ट आता है आपका स्प्राउट्स। स्प्राउट्स में कार्ब्स और प्रोटीन इक्वल रहता है, लेकिन प्रोटीन भी है तो आप इंक्लूड कर सकते हैं एटलीस्ट एक कप। अगर आप शाम को चाय के साथ कुछ स्नैक्स ले रहे हैं तो एक कप आप स्प्राउट्स बना सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। फाइबर में भी काफ़ी हाई होता है स्प्राउट्स, तो डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा वेजिटेरियन फूड में ऐसा कोई भी फूड नहीं है जिसमें खाली प्रोटीन हो, या फिर उसमें फैट्स होगा या फिर कार्ब्स होगा। तो इट वुड बी बेटर कि आप अपना डेली रिक्वायरमेंट देख लीजिए कितना कार्ब्स आपको चाहिए और उसके हिसाब से पहले आप प्रोटीन का सारा कर लीजिए, जितना ले रहे हैं उसके हिसाब से जितना बचता है उतना आप कार्ब्स ले लीजिए। तो राइस और चपाती जितना भी आप ले सकते हैं आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट के हिसाब से आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये मेन ऑप्शंस है प्रोटीन के इंडियन डाइट में। थोड़े और भी ऑप्शंस हो सकते हैं जो मैंने मिस किया है, तो आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको पता है, और ये आप इंक्लूड कीजिए अपने डाइट को, मोर प्रोटीन रिच बनाइए। आई होप कि आप इस वीडियो को अंडरस्टैंड कर सके। आई नो कि मेरी हिंदी 100% नहीं है, लेकिन आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट, और मैं और हिंदी में वीडियोस बनाऊंगी। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जिसको भी ये हेल्पफुल लगे प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय।